सर बोरिक एसिड बना रहे थे। पानी के हाँ साथ हो रही थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर कौन सा नंबर है, पांच ना, फिफ्थ है। देखिए फिफ्थ रिएक्शन, एक्शन विद NaOH और KOH। सर वो वाटर वाली रिएक्शन फिर से लिख दीजिए। हाँ हाँ सर, डाई बोरेन है और वाटर था, दोनों की रिएक्शन से बना था बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए एक्शन विद KOH और NaOH, B2H6 की रिएक्शन आप कराएं KOH के साथ, एक्वस केवच के साथ, पानी में केवच डाल दिया आपने। अब मैं इसका नाम आपसे सुनना चाहता हूं, मैंने अभी कल भी बताया था इस कंपाउंड का नाम, आप याद करिए, पोटेशियम पोटेशियम मेटाबोरेट। मेटाबोरेट। मेटा बोरेट। हाँ भाई स्पर्श, क्या नाम है इसका? पोटेशियम मेटाबोरेट। आज पापा आएंगे तेरे, ध्यान रखियो, कल हाँ जी फोन सर, आया था बस। यस सारे सर। टेस्ट दिए ना तूने, पिछला वाला ही दिया था? हाँ मैंने सर, नहीं बस थर्मो का नहीं दिया था सर। हाँ एक्चुअली मैं एक्चुअली उस चीज को देख भी नहीं पाया था, क्योंकि मैं उस वक्त ऑन द वे था, रास्ते में था, तो मैंने वही मोबाइल से बैठे बैठे कोशिश करी थी पेपर बनाने की। पेपर तो कंडक्ट हो गया था ना ठीक से? अच्छा यस सर, देखिए, अच्छा मैंने अभिषेक तुम कुछ मुझे शायद फोन में बात भी की थी उस वक्त। ये सब पूछा था सर, हुआ है हाँ नहीं हुआ ढंग। एक्शन विद क्लोरीन, सर उस वाले टेस्ट के डाउट्स कब डिस्कस करेंगे हम? जब आप कह दोगे बेटा। आपको तो बताया कि मैं तो, मेरी तो आदत ये है कि मैं तुम जल्दी से जल्दी खत्म कराता हूँ, पेंडिंग वर्क छोड़ता ही नहीं बिल्कुल, तो कल ही कर लेंगे बेटा। ओके सर। हाँ एक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, चलो कोशिश करो बेटा, अपने आप करो। डाई बोरिन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन प्रेडिक्ट करो, BCl3 प्लस HCl, 6 और 6 12, 6 Cl। आसान रिएक्शन है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करेंगी, बस 2 बार तो काम हो जाएगा। इट रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड, टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड। तो आप जो है डाई बोरेन ले लीजिए, बहुत छोटी छोटी सी रिएक्शन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराएं तो इसका एडिशन हो जाता है। अच्छा B2S6 को मैं न्यूमेरिकली ऐसे भी लिख सकता हूं, 2BH3, तो बनता है 2BH3CO, एडिशन कंपाउंड। अब वो जो एनसीईआरटी में जो अमोनिया वाली रिएक्शन होगी ना, उसको जरा वेटेज देना आप, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिखो इसी पॉइंट में लिखना है ना। इट अंडरगोज रिएक्शन विद लुइस बेस सच एज अमोनिया, B2H6 की रिएक्शन अगर आप करवाएं अमोनिया के साथ। अमोनिया ले सकते हैं या फिर हम उसकी जगह ये भी ले सकते हैं, एक ही बात है, दोनों में अंतर बताना क्या है? हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया हाइड्रोजन की बस। जगह मिथाइल इथाइल कोई ग्रुप लगा सकते हैं ना, तो B2H6 प्लस अमोनिया लो टेम्परेचर, ये B2H6 प्लस ट्वाइस ऑफ अमोनिया एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट।
रिटन यस सर। देख लो, जैसे कि मैंने अभी आपसे ऑलरेडी बोल ही दिया है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, लिखें आगे। व्हेन द एडिशन प्रोडक्ट, कंटिन्यूएशन में लिखें, व्हेन द एडिशन प्रोडक्ट इज हीटेड एट टेम्परेचर, यहां पर याद करना है, जहां याद करना होगा वहीं मैं आपको बताऊंगा। व्हेन द एडिशन प्रोडक्ट इज हीटेड एट 200 डिग्री सेल्सियस, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड नोन एज बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन इज फॉर्म्ड, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज फॉर्म्ड। मतलब आप चले थे कहां से, B2H6 से, और आपने उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराई थी लो टेम्परेचर पर, तो आपने एक एडिशन प्रोडक्ट बनाया था B2H6.2NH2, ये दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसे 200 डिग्री पर गर्म कर देते हैं इस एडिशन प्रोडक्ट को, तो आपको मिलता है क्या, बोराजोल। जैसे मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूं, B2H6. अमोनिया, और आप इसे अगर हीट करते हैं 200 डिग्री पर तो बनता है B3N3H6 प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोराजोल। मतलब यू समझ लो कि आने वाले 5 मिनट में मैं लगभग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा जो पास्ट ईयर्स में बन चुके हैं। विष्णु जी, अभी आपने कोई मैसेज भेजा है मोबाइल पे, मैं चेक कर पा रहा हूँ, रिगार्डिंग कुछ भेजा है विष्णु जी, आप क्लास में हैं? यस सर। एक सेकेंड, आपने सर ट्रांसफर मनी इन योर अकाउंट नंबर, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, अब मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पांच, हाँ बोलिए बेटा। तो क्लीवेज रिएक्शन का क्या मतलब होता है? क्लीवेज माने होता है बेटा ब्रेक करना। ओके सर। आप किसी को क्लीव करते हैं ना, जैसे मान लीजिए पेपर है, पेपर को क्लीव करते हैं, क्लीवेज रिएक्शन, ठीक है। हाँ जरा, जैसे मैंने आपसे कहा मैं आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, पांच ऑब्जेक्टिव, बोलने नहीं देता यार, बीच में कोई ना कोई कट कर देता। सर मैं पूछ रहा था, बोराजोल और बोराजीन एक ही बात है ना? हाँ बेटा एक ही बात है। सर चलो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये था कि एडिशन प्रोडक्ट कब बनता है, जब लो टेम्परेचर होता है। बोराजोल कब बनता है बताइए, जब हाई टेम्परेचर। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ बोराजोल और बोराजीन एक ही बात है, बोराजीन, बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन। जिस हिसाब से पेपर का लेवल आ रहा है, मुझे तो लग रहा है यही पूछ लेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखे अच्छा,
आप इसका नाम बता दीजिए क्या है, B3N3H6 का बोराजोल। सारे नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बेंजीन। अब ऑर्गेनिक बोलो ना, ऑर्गेनिक बेंजीन, जब आप उसको इनऑर्गेनिक बोल रहे हो, इनऑर्गेनिक बच्चों, ऑर्गेनिक बेंजीन, तो डेफिनेटली बात है, कंपैरिजन तो होगा। आपने आपकी हिम्मत कैसे हुई बेंजीन बोलने की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बेंजीन देख लो, ये हेक्सागन बनाते हैं बेंजीन में। अब जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों में ये चैप्टर आधा आधा कंप्लीट हो जाएगा, कल तक आधा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद और मतलब वो होगी दूसरा वाला आधा पार्ट, पांच मतलब नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से मतलब आपकी ऑर्गेनिक शुरू होनी है, कहने का मतलब ये है। सो ऑर्गेनिक कब तक खत्म हो पाएगी अगर नेक्स्ट वीक चालू हुई तो? मेरी ख्याल से तो क्लासेस बढ़ाकर हम जो है 15 मार्च तक खत्म करेंगे, और क्लास है 15 मार्च। हाँ भाई पागल है, 15 मार्च और नहीं, बहुत टफ है। देखो उसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपको जल्दी खत्म कराना है, लंबी चलेगी। हाँ यार नहीं, अगर आपको हल्का लेवल चाहिए तो मैं खत्म कर दूंगा। नहीं सर, नहीं सर, वैलेंटाइन डे पे खत्म कर दूंगा। सही तरीका बता देता हूँ मैं आपको, है ना, फिर आप डिसाइड कर लेना, खामखा मैं कोई टेंशन नहीं झेलूंगा। देखो ऐसा है, सही तरीका कॉम्पिटिशन का ये होता है कि जब हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होते हैं, तो नहीं ऐसे सोच, सब चीजें छोड़ दो, जब आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हो, है ना, तो एक सेकेंड मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, अननेसेसरी वो हो जाती है, फिर बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है। सर हड्डी के दो बच्चे थे, अर्णव प्रणव हैं, उनके दोनों ट्विंस बच्चे, और डॉक्टर ए के अग्रवाल के वो है ग्रैंडसन। डॉक्टर ए के अग्रवाल आगरा का कितना बड़ा नाम है फिजिक्स का, कि आगरा के सभी फिजिक्स के टीचर उनके आगे पानी भरते हैं, तुम भी जानते हो, उनको इतनी अपार नॉलेज है डॉक्टर ए के अग्रवाल साहब को, किसी को नहीं है इतनी नॉलेज, बहुत अल्टीमेट नॉलेज है, बहुत ही प्योर नॉलेज जैसे कहते हैं। उनके भाई कौन है, डॉक्टर एस के अग्रवाल, वो भी केमिस्ट्री के बहुत ही केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, माने बहुत ही बड़े, मतलब आगरा के नंबर वन टीचर है। लेकिन वो उनसे नहीं पढ़े थे, उनसे नहीं पढ़े थे, किसके पास पढ़े थे, आपके पास, किसे जल्दी करते हो शायद तो वो ये होता है ना, पेरेंट्स के साथ लीनियंसी हो जाती है। अब मुझे नहीं उतनी नॉलेज ही नहीं, मतलब ठीक है जो भी है, मतलब सीधी सी बात देखो ऐसा है कि आपको वो पढ़ाना है जो आता है। मैं अभी आपको लैपटॉप घुमा के दिखाऊं तो मेरी आपको सेल्फ दिखी जाएंगी भरी हुई, सारी किताबें काम की थोड़ी होती हैं। सीधी सी बात है, आपको वो पढ़ाना है जो एग्जाम में आए, ठीक है, जो नहीं आता वो नहीं पढ़ाना है। मतलब नॉलेज होना अलग चीज है और पेपर के हिसाब से पढ़ाना अलग चीज है, अलग चीज होती है। आप आगरा कॉलेज में कितने कितने महान टीचर है इस समय आगरा कॉलेज में, आप देखिए जिनको इतनी नॉलेज है कि भाई कह नहीं सकता। हमारा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का, जब मैं एमएससी कर रहा था, 109 लेक्चरर्स थे केमिस्ट्री के उस वक्त, और एक से एक जाने माने बहुत ही बढ़िया लेक्चरर्स, पर सब नहीं पढ़ा पाते थे नीट और आईआईटी, क्योंकि नॉलेज अंदर होना और उसको बाहर निकालना बहुत बड़ा हुनर, ये दिक्कत है। अच्छा डॉक्टर एक्स अग्रवाल साहब केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, है ना, ऑर्गेनिक उन्हें आती नहीं थी और ना वो पढ़ाते थे बेचारे, और फिजिकल पढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन पहले दिन क्लास में जो बच्चे होते थे वो 50 होते थे, दूसरे 25 से जाते, तीसरे दिन 3 या 4 जाते थे, तो खुद ही तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द बेस्ट टीचर हैं नॉलेज वाइज। बस उनकी एक दिक्कत, कई सारी दिक्कतें थी कि वो ये कहते थे कि हाइब्रिडाइजेशन को याद कर लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं सकते हम, जबकि आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं किसी का भी कोड से, कोडिंग से हो जाता है ना, एसपी2 एसपी सराउंडिंग। एक और गलती थी कि वो गाली गलौज बहुत करा करते थे, हाल मां बहन की गाली, हाँ, 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 और भगा दिया करते थे। तो बच्चा हर एक टीचर, जैसे मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ, है ना, कोई सी भी, तो अगर वो मेरी जगह यहाँ होते तो अब तक जो है लैपटॉप उठा के तो गाली मिल चुकी होती, मतलब गाली गलौज भी वो अच्छे लेवल की करते हैं, मतलब छिदेश का तो समझ ले लेवल चूरमा बन जाता।
पर हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जब व्यक्ति को नॉलेज होती है। नॉलेज सबसे बड़ी चीज यस होती है। तो आपका गुरु अगर आपको कुछ उल्टा सीधा ही बोल रहा है और आप जानते हैं कि वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसकी कड़वी बातों को भी सुन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अरे हम तो अपने टीचरों से खूब बाल घुमा घुमा के पिटे हैं यार, ऐसे बाल पकड़ पकड़ के यूं करते थे बिल्कुल। और वो जो वैसी वाली गली देखा, कुछ करेगा नहीं करेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा, इस टाइप का। मैं तो स्कूल में होता हाँ खूब सुने हमने। और आजकल की औलादों को जरा सा हाथ उठा दो या कुछ भी कह दो क्लास में, तो मम्मी पापा डर फिर जाएंगे। और उस दिन क्षितिज से मैंने जरा सा ये कह दिया कि भाई तू तो जो है पढ़ता लिखता कम है, हाल इसने पापा को भेज दिया घर पर, ये सर से बात करके आओ, ऐसा क्यों बोला। अब देखो चुप बैठ गया है। हाँ क्षितिज, कुछ नहीं कहा था सर मैंने ऐसा। अरे तो फी जमा करने तो भेजा था, मजाक भी नहीं करूं तुझसे कभी कभी। चलो ध्यान से देखो, सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ यार ध्यान से सुनो, अब जो ही तो बता रहा हूँ, जैसे ये बोरोन है ना, और ये नाइट्रोजन है। अब आप देख रहे हो कि बोरोन का यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं है, दिख रहा है भी आपको, यहाँ इस बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो यस नाइट्रोजन सर। क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। क्या कहा मैंने, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस बोरोन को डोनेट कर देगा, इसका ऑक्टेट पूरा करा देगा। तो हम अब आप ये देखो, तो हम सही बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। हाँ बैक बॉन्डिंग हो गई एक तरीके से, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है, बैक बॉन्डिंग करी है। अब यहां पर ये बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे रहा है। हाँ यहां से इन दोनों की स्ट्रक्चर में आपको क्या समानताएं दिख रही हैं ये बताइए, सिमिलरिटीज पता करो दोनों साइक्लिक क्लिक। कंपाउंड है। यस अच्छा पहले ये बताओ, ये तुम्हें लोन पे देना समझ में आ गया है, लोन पे कैसे दिया गया है, सर। यस सर। यस सर। कैसे दिया गया बताओ, ये लोन पे नाइट्रोजन ने अपने बोरोन को क्यों दिया है, क्योंकि बोरोन यहां क्योंकि पर बोरोन की कंप्लीट ऑक्टेट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको क्या कंपैरेटिव आइडिया मिल रहे हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करेंगे। पहला एक काम करिए, पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए कितने हैं। 12 12 हाँ 12 नंबर ऑफ एटम्स इसमें 12, और पल्ली तरफ कितने हैं, 12 12 दोनों का ग्राम मॉलिक्यूलर मास चेक करो जल्दी से। 78 78 हाँ 78 78 दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करिए। प्रियंका मुंह बंद करा। हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 42 इलेक्ट्रॉन्स। इनसे कर 42 42 सफाई कर 42 लेंगे अभी। 42 हाँ 42 इलेक्ट्रॉन्स चेक करिए, 42 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। यस सर। दोनों यस सर दोनों स्ट्रक्चर को हेक्सागोनल प्लेनर है। है यस सर अब यहां पर अगर आप देखें, अब मैं थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हल्का सा बता रहा हूं जो आपकी समझ में नहीं आएगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, जब भी आपको डीएसडी सिस्टम मिलता है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड सिस्टम, क्या कहा मैंने, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 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 सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिस्टम मिलता है, तो उसे कहते हैं कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एक बार रिपीट कर दो, ये नया शब्द है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और यहां पर आप देखिए, केवल और केवल केवल इसी पार्ट में आप देख पा रहे होंगे लोकलाइज्ड क्या है, कॉन्जुगेशन इस पार्ट में, फिर इस पार्ट में, और फिर इस पार्ट में। ये वाला जो मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूं यहां पर, ये वाले इस तरफ तो देखो कोई रेजोनेंस नहीं है ना, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां कुछ नहीं है, और यहां पर भी कुछ नहीं है। व्हाट डिफरेंस डू यू यहाँ पे नोटिस, रोटेट नहीं करेंगे सर ऐसे एंजाइम वो लोकलाइज रहेगा बेटा, लोकलाइज बताऊं कैसे, देखो
बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन सबसे एच जुड़े हुए हैं एस एच यहां पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर जब इसको डोनेट किया तो ये हो गया नेगेटिव बॉडी और ये क्या सा हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव ये क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बता रहा नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा ना देखो ये देखो इधर देखो दिख रहा है तो जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव जो लेगा वो नेगेटिव तो यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो किस टाइप का है एक इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही आपको इलेक्ट्रॉन पेयर घूमता हुआ मिलेगा इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही आपको इलेक्ट्रॉन पेयर घूमता हुआ मिलेगा देख पा रहे जबकि बेंजीन में क्या हो रहा था yes, बेंजीन में अच्छा बेंज चलो छोड़ो तो मैं भी नॉलेज हैवी नहीं है ना इसकी और नहीं ये देखो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ गोला सा इसका मतलब क्या गोले का क्या कहा मैंने सारी पूरी रिंग में घूम रहे इलेक्ट्रॉन से पूरे रोटेट कर जबकि यहाँ पर क्या है केवल इसी वाले पार्ट का पार्ट है देखो ये वाला पार्ट तो अभी इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव वाला यहाँ पर रेजोनेंस है जबकि वहां पर पूरे में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगा कुछ दिनों बाद अभी रुक जाओ है ना ये नोट कर लिएगा यहाँ पे बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बोरोन ने क्या करा बोरोन की हो जाएगी सर बोरोन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर तुम देखोगे अच्छा ये पेज हटा दूं पहले यस सर एक सेकंड सर हाँ पहले नोट कर यहाँ पे हाँ फिर तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसीडर करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन को हम कब इग्नोर करते हैं अब जैसे नॉर्मल हम करते हैं वैसे ही देखना है बेटा ये सर नोट कर दिया सर ठीक है अब देखो अच्छा मुझे तुम लोगों ने क्लियर नहीं करा यार मैं 12th वाला ऑर्निंग वाला पार्ट कवर करूं या केवल 11th का करा के जल्दी से खत्म करके छुट्टी करो नहीं सर दोनों 12th का करवा दीजिए सही चीज जो कोई है कोई तरीका ऐसा क्या 12th का पढ़ाएं सर लेकिन मार्च तक पहले खत्म हो जाए मतलब आधा मार्च ना के जाए मार्च से पहले पहले तक कहां जाना है तेरे को सर आप अपने हिसाब से करा दीजिए सर हां सर अपने हिसाब से कराइए एक्स्ट्रा क्लास टाइम लग जाए नहीं तुझे कहां जाना कहीं मतलब क्या कहना चाह रहा है जाना नहीं है सर लेकिन मतलब सर भैया ना सर कि मार्च से मतलब 12th भी चालू हो जाए उसमें एक सर ऐसा लगता है सर कि ऐसा ना हो कि सिलेबस छोटा रह जाए नहीं डर लगता है यार नहीं सिलेबस 12th का तो आराम से खत्म हो जाएगा एक्चुअली बोर्ड का पेपर नहीं सर फिर 11th भी तो रिवाइज करनी है पूरी नहीं उसमें 11th का रिवीजन भी कराएंगे 11th का रिवीजन भी कराएंगे प्रॉपर तरीके से तभी तो मैं कह रहा था संडे क्लास ले लिया करो तुम लोग कल सो रहे थे बैठे ऑर्गेनिक हां तो खत्म कर दूंगा सर कहां सो रहे थे सर क्लास पूरी कर दी है पूरी क्लास दी है सर कितने तो कल गुस्सा हो रहा था बिल्कुल नहीं सर अच्छा ठीक है तो मैं अब संडे की क्लास का टाइम बढ़ा संडे और सैटरडे दोनों दिन क्लास लूंगा बोल राजी है तो ठीक है ऑल 7 डेज क्लास अब हुआ करेगी आपकी ठीक है इतने वो भी नहीं है सर राजी इस मामले और क्या अब संडे को ऐसा मत करो सर छोटे बच्चे हैं ऐसे तो मत करिए सर संडे की क्लास तो मैं नहीं संडे अभी भी 11th नहीं खत्म हुई है सर इतना अभी छोटे हैं सर संडे की क्लास तो अब मैं आपकी छुट्टी की करने वाला हूं नेक्स्ट संडे से सैटरडे ऑफ कर दो सैटरडे ऑफ कर दीजिए सर सैटरडे को 1 घंटे की क्लास विद टेस्ट संडे की क्लास तो मैं 2.5 घंटे की अब करने जा रहा हूँ उसी से क्योंकि मुझे इसे लेकिन टेस्ट तो संडे को ही रखी है तुम समझ नहीं पा रहे हो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी तुम्हें रुला देगी जरा सा भी क्वालिटी हल्की रहेगी तुम समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन हिलेंगे नहीं तुमसे आकाश का जो सेक्शन बी है ना बहुत तगड़ा क्वेश्चन तगड़ा लेवल है उसका मतलब अगर मैंने वो नॉलेज नहीं दी तुम्हें जो जरूरी है तो तुम आकाश का सेक्शन मतलब सेक्शन बी जो है
हिला नहीं पाओगे एक भी क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें पूरा काफी कुछ ट्वेल्थ डाल रखा है उन्होंने। और अगर तुम ये कह दो कि ये ट्वेल्थ में करा देना तो मैं तो एक महीने में खत्म कर दूंगा, मुझे क्या है? ना सर, ना सर, ना सर, जो होना चाहिए सही से वैसे ही पढ़ाई। टेस्ट तो सर लेकिन संडे को ही होगा ना? हाँ सर, टेस्ट संडे को कर दीजिए, भले ही 7 दिन क्लास ले लो। ओके, मुझे डील मंजूर है। ओके सर। बेटा तुम्हें पढ़ाने के तरीके सर, सैटरडे क्लास एक घंटे ही कर दीजिए सर, हल्की सी काम। ओके, सैटरडे क्लास हो गई है। अच्छा अब देखो, अब ये ना तुम ये टॉपिक पहले पूरा करो। कब से फॉलो होगा रूल? राइट नाउ, राइट फ्रॉम टुडे। इधर देखो, इधर देखो, B2S6 और अमोनिया ने लो टेम्परेचर पे ये बनाया, ठीक है? उसके बाद तुमने इसको 200 पे गरम करा, बुरा जूल बनाया। उसके बाद तुमने इंडोरेटिव स्टडी कर ली। और अब इसका लास्ट पॉइंट देखो, when diborane is heated with highlight karna excess of ammonia at high temperature, there is formation of boron nitride. Boron nitride. Boron nitride. ठीक है, Bn. अच्छा बोरोन नाइट्राइड को हम, अच्छा एक्स का मतलब है ये पॉलीमर है एक्चुअली, बहुत सारे बीएन एटम जुड़ते चले जाते हैं। बोरोन नाइट्राइड को हम देखो ऐसे लिख सकते, ध्यान से देखना, एक ही बात है, जरा गौर से देखना, इलेक्ट्रॉनिकली चेक करना, 5+7=12 इलेक्ट्रॉनिकली और मास सेम है। हाँ, 12। अच्छा 11th क्लास के जो कठिन चैप्टर है ना उनको मैं रिवाइज करा दूंगा, मतलब कैसे, एक तरफ 12th का चला दूंगा और दूसरी तरफ जैसे इक्विलिब्रियम, थर्मो, है ना, जो जो तुम चैप्टर बोलोगे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब जो भी तुम बोलोगे कि सर हमें इस चैप्टर में दिक्कत है, आप हमारा टेस्ट ले लो अलग से और हमें इसको पूरे को रिवाइज करा दो, हमारे डाउट्स ले लो, इस टाइप से कराकर मैं तुम्हें कवर कर दूंगा। ओके सर। हाँ, सभी स्टूडेंट अपनी अपनी चीजों को नोट करें, जैसे किसी को एक केमिकल इक्विलिब्रियम में डाउट होते हैं, किसी को आयनिक में होते हैं, किसी को थर्मो में, किसी को गैस में, किसी को बॉन्डिंग में, तो सब अपने अपनी बात बता सकते हैं ना। सर हाँ, तो सर प्रैक्टिस की कमी पड़ती है सर, टॉपिक पढ़ लेते हैं नहीं, फिजिकल की उतनी प्रैक्टिस ही नहीं होती, टॉपिक हमसे अप्लाई होता है। तो एक काम करो, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ा दे, तुम पे टाइम है सर, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी हल्की चल रही है। यस सर, अभी सर फिजिक्स थोड़ी हाइट पे चल रही है, थोड़ी हल्की है और केमिस्ट्री भी, तो वो दे दूं फिर, क्या कहते हैं, क्वेश्चन देना शुरू कर दूं मैं? हां सर, कर दीजिए सर। इक्विलिब्रियम के, थर्मोडायनेमिक्स के, नहीं नहीं इक्विलिब्रियम के, केमिकल बॉन्डिंग के भी सर, तीन चैप्टर के दूंगा, रेडॉक्स, अभी से तीन चैप्टर के, रेडॉक्स के, केमिकल के और आयनिक के। ठीक है, ठीक है सर, ज्यादा नहीं दूंगा लेकिन डेली 10-15 क्वेश्चन आज से शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, यस सर, ठीक है, लिखो, आप भेज दीजिएगा सर, आज ही, आज शाम तक लिखिए, लिखे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, पर तुम कर नहीं पाओगे। देखो मैंने कहा ना कि ऑर्डी की नॉलेज तो मैं है नहीं है, इसलिए फिर भी पिछले साल का क्वेश्चन है, लिखो जरा, B3N3H4X2, X कोई भी एटम ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है, कैन हैव आइसोमर्स, कैन हैव आइसोमर्स व्हाइल बेंजीन, कैसे लिखना, C6H4X2 ऐसे लिखना, कैन हैव
आइसोमर्स। अब तुम जरा ध्यान से सुनना सारी बात, है ना। देखो जैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इसका नाम क्या है, C6H6 बेंजीन। यस सर। अब मैंने क्या करा, अच्छा इन सभी पॉइंट पर हाइड्रोजन आपको दिख रही होंगी। यस सर। यस सर। हाँ थोड़ा जल्दी समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इनकम्प्लीट ना रह जाए। मैंने यहां से दो हाइड्रोजन हटाई और उसकी जगह दो एक्स जोड़ दिए, -2H का मतलब H हटा दिए और X लगा दिया। तो अभी चूंकि आइसोमर्स का शब्द आप नहीं जानते हैं तो मेरी बात समझ लीजिए, आइसोमर्स का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बोलो मैंने क्या बोला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, एक एक्स यहां लगाया और एक एक्स यहां लगा दिया। सक्षम ने क्या करा, एक एक्स उसने यहां लगाया, एक यहां लगाया। डॉक्टर बंसल ने क्या कहा, अच्छा ये गोला समझते हैं ना, एक एक्स यहां लगाया, एक एक्स यहां लगाया। अब तो ऑर्थोपैरामीटर होगा। हाँ 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 बिल्कुल सही। नमन कुमार ने करा, दो एक्स यहां लगा दिए, तुरंत मैंने उसकी पिटाई करी। मैंने कहा भाई ये 1-3 पोजीशन है, ये भी 1-3 पोजीशन है, समझ पा रहे हैं। इंजीनियर आर्या ने क्या करा, दो एक्स यहां लगाए, मैंने फिर उसकी पिटाई करी, क्यों, ये 1-2 पोजीशन, 1-2 ऑलरेडी था। तो इसका मतलब दीज टू आर नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई दीज टू आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो रिपीट हो रहा है। तो आप ये बताइए कि ये जो कंपाउंड है ये 1-4 पोजीशन है, 1-2, 1-3 सबका फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन इनके तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए मैंने क्या कहा, आगे समझ में। हाँ सर। बस अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा दूसरे वाले क्वेश्चन का, करो इस वाले क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन इसका आंसर बताओ कितना आएगा। दो नहीं, मुझे नहीं पता, आप जो कहोगे मैं नोट कर लूंगा, गलत होने पर -5 दूंगा, सही होने पर 4। एक मिनट से ज्यादा फोन नहीं कर पाऊंगा मैं टाइम, और ये नोट भी कर लो अलग-अलग। सर हम ये जो C3H4X2 के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन है तो आइसोमर नहीं दे सकते, कैसे पहले वाले के अंदर डबल बॉन्ड जो है ना, रेजोनेंस नहीं, नहीं नहीं एक्चुअली बेटा रेजोनेंस के कारण ना सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो आप चाहो तो गोला कर लो, सारे एक जैसे इक्विवेलेंट हैं सारे। ठीक है सर, इससे मतलब, इससे मतलब नहीं है ना। सर 11:30 वाली क्लास ज्वाइन करनी है। ओह विष्णु जी, प्रणाम विष्णु जी, आज तो मैं आपको भूल ही गया था सर, कैसे हैं सर आप? अच्छा हूँ सर। मेरी ख्याल से तो आप कल आए विष्णु जी तो ज्यादा अच्छा है, बताऊं क्यों, आज उनके कुछ डाउट्स वगैरह वो चल रहे हैं शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो मेरे ख्याल से तो आप कल से बैठ जाएं, कल से मैं आपका थर्मो या गैस में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, 11:30 बजे मिलते हैं सर कल। ओके सर। हाँ जी, फाइनल आंसर B3N3H4X2 के कितने आइसोमर, तो 5। ओके okay. मुझे नहीं पता आंसर, मैं तो नोट कर लेता हूँ, आपके ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, एक 5 ऑप्शन आया, एक 4 आया, और 2 सर, 2 बोल। ओके सर, मीटिंग खत्म। हाँ तो कोई बात नहीं, मीटिंग खत्म होने से पहले आपको आंसर बता दूंगा और फिर कल इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक काम करता हूँ, बता देता हूँ आंसर, आपको पता है ना क्या करना है, एच हटा के एक्स लगाना है अलग अलग पोजीशंस पर।